मेरिट लिस्ट इंफॉर्मेशन नोटिस रिगार्डिंग दिस, यानी जो फर्स्ट ईयर एडमिशन 2022-23 सेशन में लेने वाले हैं उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है, तो अगर आप अपना मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स है और उस सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना सीट है, ठीक है, जिसको जनरल बोलते हैं, एससी एसटी ओबीसी एओबीसी बी, किस स्टूडेंट को कितना सीट वहाँ पे है, और मेरिट लिस्ट फर्स्ट फेज का आ चुका है और अपना मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे, और जिसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है तो उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है और वो क्या करेंगे, और जो प्रोग्राम कोर्स में यानी जनरल कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या नोटिस है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो विधान चंद्र कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आने के बाद से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज नोटिस बोल के एक ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा उस ऑप्शन में अगर कॉलेज में कॉन्टेक्ट करना तो यहाँ कॉलेज का नंबर है, ईमेल आईडी, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो, एड्रेस भी दिया हुआ। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो कॉलेज नोटिस बोल के उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे उस टैब पे क्लिक करेंगे कॉलेज नोटिस बोल के जो लिखा गया है, तो आप इस पेज में आ जाएंगे और ये पेज आपका कुछ ऐसा होगा और इसमें सारा नोटिस कॉलेज का जो भी नोटिस है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज रैंक ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट फेज़, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ऑनर सब्जेक्ट जिनमें स्टूडेंट जो है अनरिजर्व कैटेगरी में कितने स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट फेज़ में, एससी के कितने ले सकते हैं, एसटी के कितने ले सकते हैं, ओबीसी ए के कितने ले सकते हैं, ओबीसी बी के लिए कितने कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आप जान सकते हैं कि फ़र्स्ट फेज़ में जनरल कैटेगरी के लिए कितने कितने पर्सन का एडमिशन होगा, फिर आपको एससी के लिए कितने लोग एडमिशन लेंगे फ़र्स्ट फेज़ में, एससी के लिए एसटी के लिए ओबीसी ए के लिए ओबीसी बी के लिए, तो इस पर क्लिक करके आप डिटेल देख लेंगे। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका है, सब्जेक्ट वाइज है, आप जो भी सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं यहाँ से आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ से आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे आप जो सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में क्लिक कर लेंगे और क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके देख लेंगे कि आपका नाम उसमें है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसा कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट वाइज रैंक उसको क्या उसमें क्लिक करेंगे तो एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट फेज 2022-2023 कैंडिडेट कौन कौन से कितने कैंडिडेट, मैं उसका नोटिस अभी आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप शो हो रहा है सब्जेक्ट वाइज रैंक ऑफ द स्टूडेंट्स एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट फेज़ डेट ऑफ एडमिशन, आपका जो डेट है 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं आप, कॉलेज का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो ईमेल आईडी है तो इस पर ईमेल करेंगे। देखिए जो मैं समझाने वाला हूँ, क्या बोला गया यहाँ पर, अनरिजर्व कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी बी और पीएच कैंडिडेट, मतलब बी कॉम ऑनर्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल जिसको बोलते हैं वो लोग कितने उसके लिए सीट है, जिसमें जनरल कैंडिडेट आएंगे वो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है, तो 188 है, ठीक है। एससी वाले सभी एडमिशन ले सकते हैं, जितने एसटी सभी लेंगे, ओबीसी सभी लेंगे और ओबीसी ए में सब ले सकते हैं और ओबीसी बी में देखिए टोटल 33 है और पीएच में सभी लेंगे। उसी तरह बंगाली ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस कैटेगरी वाइज जो फर्स्ट फेज़ में आपका जो मेरिट लिस्ट निकला है उस मेरिट लिस्ट में जो फर्स्ट फेज़ एडमिशन है उसमें कितने कैंडिडेट का एडमिशन्स लिया जाएगा और कितने जर्नल होंगे, कितने एससी होंगे, कितने एसटी होंगे, कितने ओबीसी ए होंगे, कितने ओबीसी बी होंगे, कितने पीएच कैंडिडेट होगा, उनका यहाँ पर लिस्ट बताया गया है। और यहाँ एक और नोटिस दिया गया कि डेट ऑफ एडमिशन्स फॉर ऑल प्रोग्राम कोर्सेस, प्रोग्राम कोर्स का भी डेट ऑफ एडमिशन 16/8/2022 से लेकर 19/8/2022 है, ठीक है, 16/8/2022 से लेकर के 19/8/2022। और नोटिफिकेशन फॉर सेकेंड फेज एडमिशन्स इफ़ सीट्स आर अवेलेबल विल बी पब्लिश्ड ऑन 19
8 2022 8:04 PM। मतलब अगर सीट रहा तो सेकेंड फेज एडमिशन्स के लिए आपको क्या किया जाएगा, उसका नोटिस पब्लिश किया जाएगा, नोटिफिकेशंस लाया जाएगा, और वो नोटिफिकेशन ठीक 19 अगस्त को ठीक शाम में 4 बजे यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है, बोला गया कि होगा। तो ये था इन्फॉर्मेशंस। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। नोटिफिकेशन आप उम्मीद है मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ये लिस्ट वैसा लिस्ट है कि जो आपका मेरिट लिस्ट निकला है उस मेरिट लिस्ट में तो बहुत सारे कैंडिडेट जनरल के होंगे, लेकिन उसका फर्स्ट फेज़ में जिसका एडमिशन होगा वो टोटल जनरल कितने कैंडिडेट का एडमिशन है, SC का कितना, ST का कितना, OBC, OBC B और PH कैंडिडेट, ये सब उसमें बताया गया। और सेकंड फेज़ वालों का एडमिशन कब होगा, बोला गया है कि अगर सीट अवेलेबल रहेगा तो नोटिस आएगा आपको ठीक 19 तारीख को 4 बजे। और जनरल कोर्स वालों का एडमिशन जैसे 16 तारीख से हो रहा है 19 तारीख तक ऑनर्स का, वैसे दिए गए यहाँ ऑनर्स सब्जेक्ट का वैसे ही जनरल कोर्स वाले का भी हो रहा है।